हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रात कल दिन भर रात भर बारिश गिर गिर कर और सुबह से भी बहुत बारिश गिरा था। तो 8 PM में ना 8 बजे में बारिश रुका है ना, तो अभी बारिश रुक गया था। तो तारी उठकर जो है मैंने बच्चा लोगों को भी स्कूल वगैरह रेडी किया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये समय मैं मुर्गी का दाना पानी खिला रहा हूँ। ये बच्चा लोग जो मैंने लेकर आया है 5 पीस है ना, तो उसके लिए मैंने दाना पानी लगा दिया है, पानी गरम पिला रहा है ये छोटा वाला लोगों के लिए। और इस तरफ में जो है 12 है ना, अभी 12 तो 3 ही रह गया है, बहुत बड़ा बड़ा हो गया है ये तो। हवा की वजह से सब खेत का मकई भी खराब हो गया है, देखो। तो फ्रेंड्स ये समय 9:30 हो गया है। मैंने अभी अभी दुकान में जाकर, क्योंकि मैंने मुर्गी दाना दिया है, तो मैंने देखा कि छोटा वाला मुर्गी का दाना जो है वो कमती हो गया है ना, ख़त्म हो गया है ना। तो कल के दिन मेरा पति को लेकर आने के लिए बोला है, तो वो भी कुछ काम था, तो आते आते बहुत देरी हो गया और बहुत बारिश गिरा है, इसके चलते भी वो भूल भी गया है, अच्छी भी लगा है। पता नहीं भूल गया है कि अच्छी लगा है, पर अच्छी भी लगा है, भूल भी गया है ऐसा बोल रहा था। तो जो है वो मुर्गी का दाना खत्म हो गया था, थोड़ा ही बच्चा खत्म होने दे दिया, फिर दौड़ कर गया है ऊपर में, दुकान है ना हम लोगों का कॉलोनी में, वहाँ में जाकर दुकान से ही मुर्गी का दाना जो है सब लेकर आया है। तो अभी पति के लिए चाय बना बैठा दिया है, चाय दे देंगे उसका दाना। ये देखो फ्रेंड्स, फिर से कड़ा धूप निकल रहा है, दिन बहुत अच्छा हो रहा है, फिर से धूप निकला है। यहाँ का मौसम कब कैसा धोखा दे जाता है मालूम नहीं, अचानक से इतना बारिश आ जाता है, अचानक से इतना धूप आ जाता है, कब कैसा होता है मालूम ही नहीं होता है। अभी देखो बारिश रुक गया। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने घर में लेमन था तो मैंने लेमन टी बना दिया है। मैंने यहाँ में लेमन काट कर इसका रस जो है निचोड़ दिया है, चीनी डाला है, चाय पत्ता डाला है, 10 पत्ता डाला है, और उसका चाय ऐसे ही हम लोग पियेंगे लेमन चाय। आप लोग भी ऐसा होने से तो बनाकर पी सकते, एक जैक लेमन टी ही निकलेंगे ना, उसका स्मेल जो है टेस्ट जो है ऐसा ही निकलेंगे। अगर लेमन हो तो लाल चाय के साथ वो डाल देना तो लेमन टी हो जाएगा। आज तो दोनों जन भी जाकर बाल कटवाना है, कैसा लगा? थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा लेमन। देखो फ्रेंड्स, घर का लेमन था तो उस रस को थोड़ा निचोड़ रहा, थोड़ा नहीं ज़्यादा हो गया, बोला टेंगा हो गया, तो कलर तो इतना सुंदर, इतना फ्रेश है। फ्रेंड्स ये देखो, मेरे पति ने कल मसाला लेकर आया है, तो इसमें रूट भी है, तो मैं इसको लगा देंगे बोल करना। हम लोगों के भाषा में लोपोंग बोलता है इसको, और यहाँ का लैंग्वेज में क्या है, नीचो पत्ता बोलते हैं, नागालैंड लैंग्वेज में इसको नीचो पत्ता बोलते हैं। तो इसका पूरा रूट भरा है, तो इसको लगा देने से वो अच्छा से उग जाएंगे और हम लोग बाद में भी खाने को मिलेंगे, इसलिए मैं इसको रूपा निकले जा रहे, उसको लगा देंगे बोल करना। दिमापुर से थोड़ा आगे में एक अंकल आया है लोहा टीना लेने के लिए, जितना भी हम लोगों का कचरा कचरू बैठा है लोहा टीना सब लेकर है। आज के दिन क्या है वो पानी प्लाट हो गया है ना अंकल जी, आपका घर में आपका घर सही सुरक्षा है? अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ में भी एरिया है ना। जितना घर का पीछे का भंगार था सब निकाल कर आज के दिन चाचा जी को दे दिया। हम लोग तो प्लास्टिक तो सेल नहीं होता है बोलकर चाचा जी प्लास्टिक तो हम लोग सब फेंक देते हैं, तो क्या करेगा, भंगा तूता रख कर ना, इसलिए फेंक देते हैं। आज के दिन जितना भी है सब
बेच दे रहा है सब ये इतना में। तो कोई कोई आदमी फेंक देता है, फेंकने वाला तो ठीक नहीं। 80 रुपीस से बेच दिया है सब। इतने से क्या होगा? वो भी है पर मच्छर कीड़ा वगैरह बहुत आता है ना चाचा जी, इसीलिए फेंक देते हैं अच्छी लगकर। ये समय मैं बाहर में निकली हूँ बाहर में जाने के लिए, पर रास्ता देखो हम लोगों का कॉलोनी का रास्ता इतना ख़राब है, इतना स्लिप है, इतना पिसलन हार है, सब बस्ता टीना बिछा कर इतना तकलीफ है आने जाने में बारिश का सीजन। फिर से मैं चर्च में पहुंच चुकी हूँ क्योंकि हम लोगों का चर्च का एक सिस्टर बीमार है, उसको विजिट करने के लिए जाती है ना। फिर से हम लोग हमें आए हैं और आते समय एक आंटी ने भेंट हुआ है कि वो मैंने ये बोलकर बुलाया है, तो उसने बोला है कि मेरे लिए वो दो ना बोलकर। तो फिर से आने वाले महीना में नागालैंड में KMCM का इलेक्शन होने वाला है, तो फिर से उसने वोट मांगा है ना कि वोट दो ना देगा। तो मैंने बोला है इस बात के लिए, तो मैंने बोला है तो मैं बात कल पर से बात करेंगे बोलकर, क्योंकि मुझे अभी बाहर जाना है बोलकर ना। तो मैंने ठीक है बोलकर बोलकर आया है, वोट मांगा है, इलेक्शन मांगा है ना। मेरा इस बार चश्मे पहुँच चुका है, दौड़ते दौड़ते आया है, तो पसंद पसंद हो गया। और माउंट प्रेस करने के लिए खट्टा मीठा चीरी लिया है क्योंकि मैंने मच्छी मीठा कराया है ना, इसलिए ये खाएंगे, दूसरा तो खाने का मन नहीं है, तो ये खाएंगे। फ्रेंड्स हम लोग ये समय उसी स्तर के पास जाकर फ्री करके आया है। अभी चर्च में हम लोग थोड़ा अच्छा पकौड़ा खाएंगे, उसके बाद फिर से हम लोग विजिटिंग के लिए दौड़ना है। तो हमने पकौड़ा लेकर आया है, अभी रेखा चाय बना रहा है, हम लोग पी कर खा कर चले जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ में इतना सुंदर व्यू, माउंटेन है ना, इतना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। शाम का समय पहाड़ पर घर है, इतना सुंदर व्यू है, ब्यूटीफुल व्यू शाम के समय। फ्रेंड्स जिस आंटी के घर में हम लोग प्रार्थना करने के लिए आया है, उस आंटी का हंस है देखिए, इतना बड़ा बड़ा इतना सुंदर हंस है, वो आंटी हंस पड़ता है। और ये देखो इतना सुंदर फ्लावर पल रहा है आंटी, इतना सुंदर फ्लावर, इसका फ्लावर का बागानिंग और सब्जी का बागानिंग है, इतना सुंदर फ्लावर पाला है उसने, पर इतना बीन्स भी इतना सब्जी भी इतना लगाया है, इतना अच्छा है। और मुर्गी भी पाला है वो आंटी, बहुत मुर्गी भी बड़ा बड़ा है ना, देखो फ्रेंड्स इतना सुंदर फ्लावर बागान इतना बड़ा बड़ा लगाए हैं वो आंटी, इतना कलर इतना मीठा कलर है, इतना सुंदर कलर, सब्जी खेती मकई का खेती इतना अच्छा लगाया है वो आंटी घर का ही आगे में। और ये रहा मुर्गी, ना मुर्गी भी बड़ा है, ना अच्छा से वो पाला है मुर्गी का फार्म, हर्ब्स का फार्म। और ये कैक्टस का फ्लावर इतना सुंदर फ्रूट का जैसा लग रहा है, कैक्टस का फ्लावर इतना सुंदर। ये आंटी ने मेरे लिए भी कैक्टस का फ्लावर गिफ्ट किया था फादर्स डे में। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करना ताकि मैं और भी आपके लिए नया ब्लॉग बना सकूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, फिर से मैं आप लोगों के पास नया ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करें, बाय बाय फ्रेंड्स।